संघ जानेल इस लोगों को मिलने का एक सौभाग्य हुआ था। वो लोगों ने पूछा कि आपने आसाम में मदरसा बंद किया, क्या आपको अच्छा लगा है? मैं बोला जीवन में मैंने इससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया, कम से कम मैंने आसाम में मदरसे को बंद किया और जीवन में मेरा शायद मैंने उससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया। भाइयों और बहनों, आज हमारा देश को एक ताकतवर पार्टी का जरूरत है। ये जो भूपेश बघेल जी का सरकार है, ऐसा सरकार रहेगा तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, सारोवर धर्मांतरण का राजनीति चल रहा है। आज हम देखने, आज पूरा भारत में छत्तीसगढ़ एक मिसाल बन चुका है कि यहाँ में हमारा सरकार का पेट्रोनाइजेशन में धर्मांतर किया जाता है। ईसाई धर्म का लोग, ईसाई धर्म का मिशनरी लोगों ने लालसा दे के हिंदू को धर्मांतरण का काम करने का अभी जो हर दम अखबार में मीडिया में आते रहता है। भाइयों और बहनों, हमें ये सब बात को देखना पड़ेगा। इसमें जो तुलना कर रहे हैं, मतलब भाजपा के सब नेता बहुत गरीब हैं, सचमुच गरीब हैं, तो भी करोड़ों का वो अभी नामांकन भरते हैं तो कई करोड़ की संपत्ति का भी ब्यौरा दे रहे हैं। पूरा देश भर जनता कांग्रेस का कार्यकर्ता का हलफनामा और बीजेपी का जो कार्यकर्ता हलफनामा देता है कमीशन को, आप हिसाब कीजिए 100 और 10 का संबंध। ये देश को विश्वगुरु बनने के लिए शक्तिशाली ईडी और सीबीआई का जरूरत है, नहीं तो आप गोथान घोटाला कैसे ढूंढेगा? अब पहला घोटाला का पैसा कैसे बाहर आएगा, सारा घोटाला का पैसा कैसे आएगा? तो अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो सबसे बड़ा शक्तिशाली ईडी और सीबीआई देश को सही है, नहीं तो काला धन कैसे बाहर आएगा? प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप भी समझा कि भारत को विश्वगुरु बनने के लिए काला धन आपका जेब से बाहर होना पड़ेगा, इसलिए देश को बहुत बड़ा ईडी और सीबीआई का जरूरत है। कुत्ते की संज्ञा दी है, कुत्ते की संज्ञा दी ईडी आईडी को। वो तो उनका व्यवहार है, उनका शब्द है, उसका ऊपर में। नरेंद्र मोदी जी का सरकार में अगर ईडी और सीबीआई ढंग से काम कर रहा है, इसमें हमें आपत्ति क्या है? अगर हमारा घर में आके या किसी का घर में जाकर अगर ईडी हजारों करोड़ रुपया बरामद कर रहा है, ये पैसा तो देश का गरीब का काम नहीं आएगा, उसमें हमें आपत्ति क्यों करना चाहिए? गरीब तो कांग्रेस में जो अगर बीजेपी में भी जाते सीपीएम में भी जाते कांग्रेस में भी जाते ईडी अपना हिसाब से जहां भी जाना है जाएगा। आपको वो तो आपका एक नॉलेज है, ये तो आपका बात है, लेकिन अगर आप मुझको इन्फॉर्मेशन देगा ईडी को फोन करके, भाई ये फलाना व्यक्ति का घर पे जाइए हजारों करोड़ रुपया वहाँ पड़ा है, जरूर ईडी वहाँ भी जाएगा। लेकिन आप लोग के मन में ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस का नेताओं का एकदम बोलो हाँ गंगा का बेटा है, उनका घर में सीबीआई और ईडी नहीं जाना चाहिए। हमें तो खुश होता है अगर सीबीआई ईडी मेरा घर में आते हैं, आके उसको क्लीन सीट दे देता है, भाई इसका घर में मैंने आया ना सुबह कुछ नहीं, उससे आपत्ति क्या है? आपको सीबीआई ईडी तो एक ऑर्गेन है, एक इंस्टीट्यूट है, आपको लेना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए अपना घर में, ऐसे भी बुला लेना चाहिए, एक बार आके देखिए जाइए मेरा घर में, उसमें आपत्ति क्या है?